हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ नॉलेज टीवी में। फ्रेंड, आज का वीडियो भी स्पेशल होने वाला है। जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं, आप देखिए आपको इसमें क्या क्या समझ में आ रहा है, और इसमें आपको बहुत से एग्जांपल मिलेंगे नए GDNT के। जैसे कि इसमें फ्लैटनेस शो कर रखी है, परपेंडिकुलरिटी, रन आउट, पैरालिज्म, इन सबको मैं क्लियर करते हुए चलूँगा। और ये ड्राइंग भी आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी ड्राइंग है, और इसको कैसे पढ़ेंगे हम आज करते हैं इस वीडियो में बात। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि हमारे नए वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस ड्राइंग में GDNT के जो सिंबल्स दे रखे हैं उनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि वो हैं क्या। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको रनआउट, फिर परपेंडिकुलरिटी, पैरालिज्म, फ्लैटनेस, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। ओके फ्रेंड, फर्स्ट थिंग है रनआउट। रनआउट हमेशा सिलेंड्रिकल और सर्कुलर पार्ट के सर्कमटेंस पर चेक किया जाता है, जब वह अपने एक्सिस पर घूम रहे होते हैं, और उसमें जो इनएक्यूरेसी आती है, उसमें जो वेरिएशन आता है, वही रनआउट है। या इसे दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सर्कुलर या सिलेंड्रिकल पार्ट है, वह अपने मेन एक्सिस के रिस्पेक्ट में एग्जैक्टली एक सीध में, एक लाइन में रोटेट नहीं कर रहा है, तो वह रन आउट है। उसमें जो वेरिएशन आ रहा है वहीं रन आउट है। फ्रेंड, रन आउट को समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास कोई शाफ्ट है जिसका हम रन आउट चेक कर रहे हैं, उसको सेंटर बेंच पे हम पकड़ लेंगे, और क्लैंप करने के बाद में हम उस पर डायल इंडिकेटर लगा के और धीरे धीरे जॉब को घुमाएंगे। जब शाफ्ट को घुमाएंगे तो हमारे डायल में वेरिएशन आएगा। वो अगर हमारी टॉलरेंस में है तो रन आउट ओके है, और टॉलरेंस से बाहर जा रहा है तो उस पीस का रन आउट ज़्यादा होगा। जब जॉब में रन आउट ज़्यादा होता है, तो जब वह फंक्शन कर रहा होता है, जैसे कोई शाफ्ट है उसको लगाने के बाद में अगर वो मूवमेंट करती है, तो वो जल्दी वियर हो सकती है, बैंड हो सकती है। सेकंड नंबर पे आता है परपेंडिकुलरिटी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लंबवत मतलब 90 डिग्री। हमारे जॉब के डेटम से जो एक्सिस लंबवत है वो एक्चुअल में 90 डिग्री पे नहीं हो पाता, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए जो टॉलरेंस दी जाती है वही परपेंडिकुलरिटी है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारे पास ये कोई जॉब है जिसका डेटम ए है और उसका डाया है 0.75, और आप देख रहे हैं परपेंडिकुलरिटी की जो टॉलरेंस दे रखी है थीटा करके 0.01, जिसके साथ ही में दे रखा ए, मतलब डेटम ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है। और साथ ही आप देख रहे हैं हमारा जो सिलेंड्रिकल फीचर है, उसमें परपेंडिकुलरिटी का टॉलरेंस जोन है वो बीच में रेड कलर से शो कर रखा है, और जो बीच बीच सेंटर लाइन है ये हमारा फीचर है। ये फिटमेंट के दौरान परपेंडिकुलर अगर 90 डिग्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर टॉलरेंस जोन में भी है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इसे देख के आप समझ रहे होंगे कि परपेंडिकुलरिटी क्या होती है। अगर इस टॉलरेंस जोन में है तो फिटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड नंबर पे आता है पैरालिज्म। हमारा कोई जॉब है जिसकी दो सरफेस है, वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी पैरेलल हैं, कितनी समानांतर है, यही पैरालिज्म होता है। यह चीज़ नोटिस करनी है कि दोनों सरफेस में से एक सरफेस दूसरी सरफेस के, मतलब जो डेटम है उसके रिस्पेक्ट में पैरेलल कितनी है। पैरालिज्म को चेक करने के लिए सरफेस प्लेट पर हमारा जो जॉब है उसकी एक सरफेस जो डेटम है उसको रखेंगे, क्योंकि सरफेस प्लेट ऑलरेडी ट्रू होती है। फिर हाइट गेज में जो बप्पी डायल है उसमें 0 सेट करके, और पीस की दूसरी सरफेस के ऊपर डायल को रख के, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे ही मूवमेंट करवाएंगे, फिर हमारे जो डायल में वेरिएशन आएगा वहीं पैरालिज्म होगा। फोर्थ नंबर पे आता है फ्लैटनेस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, समतल, कि हमारे जॉब की सरफेस कितनी समतल है। फ्लैटनेस और पैरालिज्म में बहुत बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इन दोनों में एक बड़ा सा अंतर है। मैंने रेड कलर के गोले से शो कर रखा है, जैसा आप देख रहे हैं ये रिगार्डलेस होता है, मतलब इसको किसी डेटम या दूसरी सरफेस की रेस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। जिस सरफेस पे हमको फ्लैटनेस चेक करनी होती है, जिस पे फ्लैटनेस मांगी है उसी पे चेक करते हैं, जबकि पैरालिज्म में हम क्या करते हैं, दूसरी सरफेस के रेस्पेक्ट में चेक करते हैं। ओके फिफ्थ नंबर पे आता है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, जिसे MMC भी शॉर्ट में कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारा कोई फीचर है, फीचर से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हमारी कोई शेप, जैसे सिलेंड्रिकल शेप है, उसमें ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उसके टॉलरेंस जोन में। उदाहरण के लिए
अगर कोई पिन है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर, अगर कोई होल है तो उसके कम से कम साइज, मतलब कम से कम मटेरियल काटा हुआ हो इसके टॉलरेंस जोन में। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारे पास दो पार्ट है, एक पिन है और एक होल है। तो होल के लिए जो होल की साइज होगी, दोनों का साइज देखिए, हमारे पास 10.0 उसकी टॉलरेंस है प्लस माइनस 0.1। पिन के लिए भी सेम वही है। तो होल के लिए मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या होगी, वो जो होल है वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, छोटे से छोटा होना चाहिए, 9.9 जिसकी साइज होगी, उसमें भी फिटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और पिन के लिए जो कंडीशन होगी मैक्सिमम मटेरियल की, वो होगी जो डाया आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, वो होना चाहिए लार्जेस्ट होना चाहिए 10.1, लेकिन होना चाहिए उसकी टॉलरेंस में, ओके। फ्रेंड अब बात करते हैं ड्राइंग की। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे दो सेक्शन आपको दिख रहे हैं। एक ये जो गोल दिख रहा है जिसमें छोटे छोटे होल हैं, ये इसी जॉब का फेस वाला सेक्शन आपको शो कर रखा है, फेस है। फेस की साइड से अगर आप देखोगे तो इस तरह का दिखाई देगा। मैं दोनों सेक्शन को अलग अलग करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, जो मैंने रेड एरो शो कर रखी है, ये इस वर्क पीस की टोटल लेंथ है 41.1 से लेके 41.3 तक। नेक्स्ट जो मैंने रेड कलर के गोले में शो किया है वो देखिए 25.4 से लेके 25.5 तक। ये जो ब्लैक एरोज हैं इनके बीच की डायमेंशन है, ओके। नेक्स्ट जो मैंने एरो से शो कर रखा है ये यहाँ की डायमेंशन है, जो ब्लैक एरो के बीच में आप देख रहे हैं 3.5 से 3.6। फ्रेंड ये 35-36 दिख रहा है, मिस प्रिंट है, लेकिन एक्चुअल में 3.5 से 3.6 है, ओके। नेक्स्ट आप देख रहे हैं 9.4 से 9.6 की डायमेंशन है ब्लैक एरोज के बीच में जो है वो। नेक्स्ट गोले में आप देख रहे हैं फ्लैटनेस का सिंबल है और 20 माइक्रोन की फ्लैटनेस मांगी है यहाँ फेस पे। नेक्स्ट ये आउटर डाया है 35.5 से लेके 36.0 तक, जो मैंने रेड कलर के एरो से भी शो किया है और ब्लैक कलर एरो भी यहीं शो कर रहे हैं। नेक्स्ट ये इंटरनल डाया है, आईडी है, थीटा जो दे रखा है 44.45 से 44.60 तक, जो मैंने रेड कलर के एरो से शो कर रखा है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलरिटी के लिए सिंबल है, परपेंडिकुलरिटी मांगी है 80 माइक्रोन की, ठीक है, 80 माइक्रोन परपेंडिकुलरिटी की टॉलरेंस है। और साथ ही में मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन का सिंबल है और डेटम ए के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलरिटी मांगी है। डेटम ए आप देख रहे हैं मैंने गोले में शो किया है, साथ ही साथ डेटम सी दे रखा है, जो मैंने रेड एरो शो किया है यहाँ पे है डेटम सी। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये डायमेंशन दे रखी है 9.4 से लेकर 9.6 तक की, ब्लैक एरोज देख रहे हैं आप, उसके बिटवीन की डायमेंशन है उसके बीच की, और मैंने रेड एरो से शो भी कर दिया है। इस आईडी की डायमेंशन है, ये आईडी की जो डेप्थ है वो है 9.4 से लेकर 9.6 तक की, ओके। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये पैरालिज्म मांगा है, सिंबल पैरालिज्म का है 0.06 और डेटम ए के रेस्पेक्ट में मांगा है, रेड एरो से मैंने शो कर रखा है यहाँ पे मांगा है। तो इसको चेक करेंगे तब क्या करेंगे, डेटम ए की साइड वाली जो सरफेस है उसको सरफेस प्लेट पे रख देंगे, और जहाँ पे मैंने रेड एरो दिखा रखा है यहाँ पे डायल इंडिकेटर को 0 सेट करके और इस जॉब को घुमाएंगे, जितना वेरिएशन आएगा वही हमारा पैरालिज्म होगा, ओके। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये डायमेंशन है 6.1 से लेके 6.6 तक की, मैंने रेड एरो शो किया है, ये यहाँ की डायमेंशन है। नेक्स्ट है M42, मतलब ये जो डाया है ये 42 mm का है, साथ में इंटू 1.5, मतलब 1.5 की पिच के साथ में यहाँ पे थ्रेड करनी है इस डाया पे जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ओके। साथ ही यहाँ पे 0.1 के मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन के लिए सिंबल दे रखा है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये दे रखा है ये डायमीटर आईडी का 20 mm दे रखा है, 20 से लेके 20.13 तक हम बना सकते हैं इसकी टॉलरेंस दे रखी है। साथ ही नीचे रन आउट मांग रखा है 0.6 का, और उसके साथ ही डेटम बी दे रखा है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डाया शो कर रखा है, जो मैंने रेड कलर के एरो से भी दिखाया है 31.6 से लेके 31.8 तक का, और डेटम बी पे रन आउट मांगा है 0.1 का, ओके। बात करते हैं इसके फेस का जो सेक्शन दिखा रखा है उसमें, देखिए फ्रेंड ये सबसे बड़ा वाला जो डाया 99 से 100 दे रखा है वो ये है, जो मैंने इसमें मेन ड्राइंग में दिखाया है, ये 99 से 100 है बड़ा वाला डाया, ओके। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये जो डायमेंशन दे रखी है ये मैंने एरो से दिखा रखा है, आप देख रहे हैं मेन ड्राइंग में देखो यहाँ पे दो होल दिख रहे हैं, इस होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, अब देखिए इस गोल वाली ड्राइंग में दूसरे सेक्शन में होल के सेंटर से लेकर दूसरे होल के सेंटर तक डाया है 86, ये डायमेंशन दे रखी है 86, ओके। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये वाला डाया दे रखा है 56.6 से लेके 57.6,
मैंने रेड एरो से शो कर दिया, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए 8 × 7.9 × 8.1 ये दे रखा है, मतलब 8 होल बनाने हैं जिनका डाया होगा 7.9 से लेके 8.1 तक इनकी टॉलरेंस है, ओके। और साथ ही में मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन की दे रखी है आपको साइज डाया 0.14। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 × 45 दे रखा है, मतलब 45 की PCD, 8 जो होल होंगे 45 डिग्री के एंगल पे होंगे। फ्रेंड आशा करता हूँ आपको ड्राइंग अच्छे से समझ में आई होगी, वीडियो का सारा कमेंट में ज़रूर बताएं।